और चलिए अब रुख करेंगे हिमाचल राउंडअप खबरों की ओर। मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सलापड़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परिसर में जनमंच का आयोजन किया गया और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जल्द ही से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी यहां पर दिया गया है। ऊना में छठ पूजा का पर्व पूर्वांचल के लोगों ने धूमधाम से मनाया। बता दें आपको कि स्वा नदी के तट पर लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और देश में अमन चैन की कामना की। पांडा साहिब के कपोटा में पिछले कई दिनों से एटीएम बंद है, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया है कि एटीएम को सुचारू रूप से चलाया जाए। पार्वती घाटी में उत्पादित होने वाली क्रीम चरस के उत्पादन स्थल पर पहली बार पुलिस ने दरअसल यहां पर रेड मारी है। जिसमें उन्होंने चरस माफियाओं के किले को भी ध्वस्त किया। चंबा के डलहौजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तेलका से गढ़ झिंटू को जोड़ने वाले रास्ते पर पैरापिट नहीं है और जिससे कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत विकास परिषद की ओर से रामपुर में राष्ट्र समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश भर में से 6 टीमों ने हिस्सा लिया।